नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इन पदों पर निकाली भर्ती। सरकार भदई और अगहनी फसल के लिए किसानों की करेगी मदद। नेशनल लेवल पर तैराकी में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली माही को सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। बिहार के उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। बिहार में अवैध बालू खनन माफियाओं से इस कानून से निपटने की है तैयारी। जाने स्मार्ट मीटर के घर के बाहर लगे रहने की क्या है वजह। भारत बांग्लादेश मैच से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के दिए जवाब। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेड्स में अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ट्रेड्स में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। ये भर्ती कुल 1679 पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10 VS के समकक्ष परीक्षा पास की हो। साथ ही मान्यता प्राप्त NCVT या SCVT द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में ITI पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के इन उत्पादों को मिलेगा GI टैग। केंद्र सरकार बिहार के कई उत्पादों को GI यानी भौगोलिक संकेत देने की तैयारी में है। इसमें गया का तिलकुट और पत्थलकट्टी, वैशाली का चनिया केला, नालंदा की 52 बूटी, भोजपुर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। ये प्रस्ताव जिला अधिकारियों ने केंद्र सरकार को भेजे थे और केंद्र वाणिज्य मंत्रालय ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। इससे इन उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने भागलपुरी जरदालू आम, कतरनी चूरा, शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, सिलाब का खाजा और मधुबनी पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया था, जिससे इसकी प्रसिद्धि और मांग में वृद्धि हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI फैसिलिटेशन। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मधुबनी के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के मिथिला पेंटिंग और मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस जिले में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप जा सकते हैं। इसमें सौराठ, कपिलेश्वर स्थान, उच्चैठ और भवानीपुर शामिल है। इस जिले में धार्मिक पर्यटन स्थलों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। यदि आप कभी इस जिले में जाते हैं तो इन जगहों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इन पदों पर निकाली भर्ती। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 19, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 7 और आंसू लिपि के 2 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bihar.vidhanparishad.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और सूचना को जरूर देखें। नेशनल लेवल पर तैराकी में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली माही को सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली माही श्वेत राज को सीएम नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा इन्हें मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी SI के पद पर नियुक्ति देने की तैयारी है। सीएम नीतीश ने इस दौरान माही को मेडल पहनाते हुए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस दौरान सामान्य प्रशासन एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र और अन्य लोग भी उपस्थित थे। सरकार भदई और अगहनी फसल के लिए किसानों की करेगी मदद। बिहार में बाढ़ और बारिश के से परेशान किसानों को सरकार भदई और अगहनी फसल लगाने में मदद करेगी। बिहार में ऑफ सीजन खेती की को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य फसल सहायता योजना 2024 को सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे राज्य समन्वय समिति ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर जिला को सोयाबीन के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल को अगहनी आलू के लिए अधिसूचित किया गया है। अगहनी बैंगन के लिए
बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा और सुपौल को गोभी के लिए अधिसूचित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप मदद पोर्टल पर जा सकते हैं या सुगम कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 1800 1100 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार में अवैध बालू खनन माफियाओं से इस कानून से निपटने की है तैयारी। बिहार में लगातार अवैध खनन बालू खनन के मामले सामने आ रहे हैं। अवैध बालू खनन से प्रदेश में राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अब इन मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार बालू माफियाओं से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश में बालू माफिया के साथ ही इनके साथ काम करने वालों के खिलाफ सरकार क्राइम कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत मामला दर्ज करेगी। इस कानून से जिले के डीएम और एसपी के पास कई सख्तियां और अधिकार होते हैं, जिससे डीएम के पास बालू माफिया के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार होगा। दाखिल खारिज से संबंधित नया अपडेट आया सामने। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच दाखिल खारिज से संबंधित एक नया अपडेट सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय ने अपडेट जारी करते हुए कहा है कि अब दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। जारी हुए नए अपडेट में सुओ मोटो दाखिल खारिज है, जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही सुओ मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कराया जाता है। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप सुओ मोटो दाखिल खारिज के तहत म्यूटेशन करवा सकते हैं। पहले की तरह म्यूटेशन अलग से करवाने की जरूरत नहीं होगी। आज से पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा संचालन, जाने किराया। आज से पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होने वाला है। इस ट्रेन से सफर के लिए कई यात्रियों ने बुकिंग किए हैं। ये ट्रेन 8 कोच वाली है। इसमें चेयर कार का किराया ₹1505 है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया ₹2570 है। ये ट्रेन आज गया व कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुमो स्टेशन, बोकारो स्टील सिटी, मुरी और चांडीले स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी। इस ट्रेन का संचालन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन किया जाएगा। मालूम हो कि पीएम मोदी ने बीते रविवार को इसका उद्घाटन किया। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को रख सकते हैं हमेशा नए जैसा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ चले, तो उसके लिए आप कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। इसके लिए बैटरी को 20% से लेकर 80% के बीच में ही चार्ज करें। फोन को पूरी तरह से चार्ज या पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से बचें। रात भर फोन को चार्ज पर ना छोड़ें। फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें। जो ऐप्स कम उपयोग होते हैं उन्हें हटा दें। इससे फोन की स्पीड और मेमोरी बेहतर होती है। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें ताकि नए फीचर्स और बग्स फिक्स मिल सके। फोन को फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए अच्छे क्वालिटी के कवर और गार्ड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोन के नियमित सफाई से फोन के पोर्ट्स और बटन खराब नहीं होंगे। अगर फोन स्लो हो चुका है तो इसके फैक्ट्री रीसेट से इसका स्पीड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले डेटा का बैकअप ले लें। फोन में हमेशा पर्याप्त स्टोरेज रखें और समय समय पर बेवजह की फाइल्स डिलीट करें। इन सुझावों से आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक नया प्रदर्शन करता रहेगा। लगातार मूसलाधार बारिश से रोहतास के कई झरनों में आया उफान। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार के रोहतास जिले के पहाड़ी इलाकों में झरनों में उफान आ गया है। कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली तुतला भवानी वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। वन विभाग ने रोहतास के कई झरनों जिनमें तुतला भवानी, कसस झरना और मांझर कुंड के पास जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। कई पर्यटकों को वहां जाने से रोक दिया गया है। वन विभाग वहां के गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। बिहार में अब जमीन का मिलेगा यूनिक नंबर। गूगल से भी कर सकेंगे अपने संपत्ति की जानकारी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि भूमि से संबंधित मामले में पारदर्शिता बरती जा सके और जमीन विवादों को खत्म किया जा सके। इसके तहत जमीन और मकान मालिकों को प्रदेश सरकार द्वारा यूनिक नंबर देने की तैयारी है। इन नंबर के जरिए भूमि स्वामित्व के सटीक रिकॉर्ड का पता चल सकेगा। साथ ही इस नंबर का इस्तेमाल सरकारी कामों में पहचान पत्र के रूप में किया जा सकेगा। ये यूनिक नंबर सर्वेक्षण के बाद आधार कार्ड की तरह मिलेगा। वहीं डिजिटल सर्वे से मिले यूनिक नंबर से आप गूगल पर इसे सर्च कर अपना यूनिक नंबर डालकर संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालय अध्यापक के पदों पर सहायक वास्तुविद के पदों की परीक्षा का ओएमआर सीट हुआ जारी। विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी पुनर्परीक्षा और सहायक वस्तुविद के पदों पर नियुक्ति के लिए 18 जुलाई को आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 24 सितंबर तक अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें किसी तरह की त्रुटि होने पर इसे 27 सितंबर तक एग्जाम कंट्रोलर -bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। ध्यान रखें किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त आपत्ति और तय तारीख के बाद मिले आपत्ति पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप OMR सीट को 24 सितंबर तक डाउनलोड नहीं करते हैं तो ये आयोग की वेबसाइट से भी हटा दिया जाएगा। थाईलैंड वैकेशन पर गई बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा और आयशा शर्मा ने कई तस्वीरें किए शेयर। बिहार से अपना संबंध रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा और आयशा शर्मा दोनों बहनें इन दिनों थाईलैंड में अपनी छुट्टियां मना रही हैं। इसकी कई तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसमें नेहा शर्मा रेड कलर की स्विम सूट पहन रखी हैं। उन्होंने खाने की भी कई तस्वीरें शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है कि डिनर के लिए तैयार। दोनों बहनें स्टोरी में एक दूसरे को लगातार टैग करके एक दूसरे की खिंचाई करते भी नजर आ रही हैं। जाने स्मार्ट मीटर के घर के बाहर लगे होने की क्या है वजह। पहले बिजली मीटर घर के अंदर लगे होते थे। महीने भर बिजली का इस्तेमाल करने के बाद बिल आने के बाद इसका भुगतान करना पड़ता था। अब स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल होने लगा है जो अक्सर घर के बाहर लगाया जाता है। बिहार के एक बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर को बाहर लगवाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर लगे मीटर में अक्सर नेटवर्क की समस्या आती है जिससे रिचार्ज के बाद बिजली नहीं मिलती, लेकिन अगर मीटर बाहर है तो रिचार्ज के तुरंत बाद बिजली मिल जाती है। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि मीटर को हमेशा बाहर ही लगवाएं ताकि तकनीकी समस्याएं ना आए और बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। बिहार बोर्ड 2025 वार्षिक परीक्षा के लिए डमी पंजीयन कार्ड के अपलोड की बढ़ी तिथि। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए डमी पंजीयन कार्ड हस्ताक्षर के साथ अपलोड करने की तिथि को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 24 सितंबर तक कर दिया गया है। जिसमें अब शिक्षण संस्थान के प्रधान 24 सितंबर तक विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणा युक्त सभी डमी पंजीयन कार्ड को अपलोड करेंगे। तय तिथि में पोर्टल पर अपलोड नहीं होने पर बच्चों को 2025 वार्षिक बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलेगी। गया में पिंडदान करने गए श्रद्धालुओं को मिल रहा गंगाजल। पितृपक्ष मेला की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान गया में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहां पिंडदान करने और अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए आएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पिंडदान करने गए लोगों को पहली बार गंगा का जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। मिली जानकारी के मुताबिक गया सुधा डेयरी को जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिदिन 10,000 लीटर गंगा जल दिया जा रहा है। इस दौरान 200 ml से लेकर 500 ml तक गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज से मॉनसून की सक्रियता कम होने की संभावना। बिहार और इससे सटे नेपाल दोनों जगहों पर लगातार बारिश के कारण कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि आज से मॉनसून की सक्रियता कम होने की संभावना जताई जा रही है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार में जाली नोटों के कारोबार का पाकिस्तान और नेपाल से नेटवर्क आया सामने। बिहार के मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के जाली नोटों के कारोबार का 5 सितंबर को खुलासा हुआ था। अब इसे लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल इस दौरान पकड़े गए 3 धंधेबाजों की निशानदेही पर इसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले का मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर का रहने वाला सरफराज है। सरफराज की जांच करने का पर पता चला है कि ये नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक रैकेट चला रहा था। नेपाल से इस मामले में राजेश सहनी का नाम भी सामने आया है। पुलिस सरफराज को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ही इससे जुड़े पाकिस्तान, नेपाल और अन्य देशों के धंधेबाजों की पहचान की जा सकेगी। बेतिया टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले की खबर आई सामने। बेतिया जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ का शव मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ बाघ के हमले से एक व्यक्ति के जान जाने की खबर भी अब सामने आई है। विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि बाघ के हमले के बाद 50 वर्षीय व्यक्ति की जान जाने के बाद लोगों को दहशत फैल गया है। बता दें कि व्यक्ति खेत में बकरी चराने गया था, जिसके बाद वो लौट कर नहीं आने पर इसकी तलाशी हुई तो बाघ द्वारा हमले की पुष्टि की गई। जाने ट्रेन में क्यों होती है लाल खिड़की। यदि आपने ट्रेन में यात्रा की है तो आपने ट्रेन के डिब्बे में एक लाल खिड़की जरूर देखी होगी। क्या आपको पता है कि ये खिड़की किस काम के लिए होती है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये लाल खिड़की ट्रेन की इमरजेंसी विंडो होती है। भारत में हर रोज हजारों ट्रेनें चलती हैं। इसमें पैसेंजर और मालगाड़ी दो तरह के ट्रेनें होते हैं।
पैसेंजर ट्रेन यात्रियों के लिए होती है, जबकि माल गाड़ियां सामान ले जाने के लिए होती है। पैसेंजर को ले जाने वाली ट्रेन के इमरजेंसी विंडो में लोहे की रॉड नहीं लगी होती, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति में इस खिड़की को आसानी से खोला जा सकता है। इससे यात्रियों और सामान को बाहर सुरक्षित निकालने में मदद मिलती है, इसलिए इस लाल खिड़की का सही उपयोग आपातकालीन स्थिति के लिए होता है। एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राजद सांसद मनोज झा ने साधा निशाना। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने 100 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है। बीते 100 दिनों में बीजेपी एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एनडीए सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बिहार में राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोकतंत्र के अन्य मूल मूल्यों पर एनडीए सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में मनोज झा ने कहा कि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने प्रतिशोध की राजनीति को भारतीय राजनीति का हिस्सा बना दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह नई मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान पार्टी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री अतीसी का हुआ है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को बताया संस्कार ही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव की हालिया टिप्पणी पर करारा हमला किया है और उन्हें संस्कारहीन करार दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में एक सभा के दौरान कहा था कि देश के प्रधानमंत्री चौथी पास हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैर छूते हैं। इस बयान पर नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जैसा संस्कार लिया है वैसा ही बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि तेजस्वी यादव के बयानों से देश के विकास यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का नाम भी घोटाले बाजों की पार्टी करार दी। भारत बांग्लादेश मैच के पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के दिए जवाब। भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि चेन्नई में हमारा एक अच्छा कैंप रहा, हमने काफी घंटों तक प्रैक्टिस की, कुछ प्लेयर्स दलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं तो वो पहले से ही तैयार हैं और मुझे लगता है कि हम सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान से जीतकर भारत के साथ खेलने के लिए आ रही बांग्लादेश की टीम को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर टीम को भारत को हराने का में मजा आता है लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। ऐसा इंग्लैंड सीरीज में भी इस साल देखने को मिला था लेकिन हमें अपना लक्ष्य मालूम है। भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज मैच में आपके अनुसार किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहने वाला है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर थॉमस रॉ जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचे थे। आज के दिन वर्ष 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा के पुरी पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1986 में मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान उड़ाया था। आज के दिन वर्ष 2009 में भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी हवाई पट्टी खोली थी। आज के दिन वर्ष 1931 में श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है इंदौर। इसका सही उत्तर सूरत। हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 सितंबर, ऑप्शन सी है 12 सितंबर, ऑप्शन डी है 13 सितंबर। इसका सही उत्तर है 12 सितंबर। हाल ही में PCF में शामिल होने वाले पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन से बने हैं? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी है PNB बैंक। इसका सही उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? ऑप्शन ए वैशाली मेला, ऑप्शन बी है मलमास मेला, ऑप्शन सी है सोनपुर मेला, ऑप्शन डी है विष्णु मेला। इसका सही उत्तर है सोनपुर मेला। महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है प्राकृत। इसका सही उत्तर है प्राकृत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है पुरुषोत्तम कुमार, नागेंद्र कुमार, जय राय,
अनुराधा राजकिशोर महतो रवि रंजन कुमार लव बैठा सद्दाम हुसैन सपना कुमारी सुनील कुमार पंकज कुमार दास सुनील कुमार निशा कुमारी प्रमिला देवी सोनाली कुमारी मृत्युंजय कुमार संजीव कुमार विशाल पासवान कृष्णा प्रसाद जितेंद्र ठाकुर मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल को रात का सवाल है। आपके मुताबिक बिहार में रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।